लैपलास ट्रांसफॉर्म पर एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में भी पूछा गया। फाइंड वी नॉट वी जीरो टी इन द सर्किट ऑफ फिगर 9.1 एज्यूम वी नॉट जीरो बराबर 5 वोल्ट। तो देखिए हमें वी नॉट टी फाइंड करना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पे देखो दे रखा है। तो इस पर ये क्या है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है 5 वोल्ट। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम क्या करेंगे, एस ट्रांसफॉर्म से जो है सर्किट की इसकी जो है से एनालिसिस से जो है वी जीरो टी फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हमें इसे जो है एस डोमेन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए अगर ये जो है टाइम डोमेन में e की पावर माइनस टी यू टी, इसका जो है एस डोमेन में ये होगा 10/(s+1)। रेजिस्टेंस का चेंज होता नहीं। अब ये 2 ∆t है तो इसका जो है 2 × 1 बराबर 2। तो ये 2 एम्पियर जो करंट सोर्स हो जाएगा जब हम उसे एस डोमेन में। अब बचा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ये 0.1 फैराड है तो इसको क्या करेंगे 0.1 s, तो ये हो जाएगा 10 y s। अब इसमें इनिशियल कंडीशन जो है किस तरीके से जो है उसके लिए सर्किट जो है बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर है, इसमें करंट जा रही है ये IT और यहाँ वोल्टेज है ये VT और ये C, तो ये इनिशियल वोल्टेज है VC0- या सिंपली V0। तो इसे दो तरीके से मॉडल करते हैं। तो एक तो ये है 1/CS और ये करंट सोर्स CVC0- और ये IS और इसके क्रॉस VS। दूसरा है जिसका मॉडल 1/CS और ये ±VC0- / VS, ये है IS और ये ±, ये VS। तो देखिए लगाने में भी क्या है, यहाँ पे देखिए VOS, देखिए ये 1, 2, 3 ये तीनों क्या है पैरेलल कनेक्टेड हैं और इनके क्रॉस वोल्टेज क्या है V0t दे रखा टाइम डोमेन में। अगर हम पैरेलल में इसके जो है इनिशियल कंडीशन इसमें जो है सर्किट इंक्लूड कर दें पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल वाली तो ये होगी, ये तो सीरीज वाली है, तो इसमें हमें ये वाली लगानी है सर्किट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसका एस डोमेन में जो है सर्किट ट्रांसफॉर्म सर्किट जो है वो बनाते हैं, वो इस प्रकार से होगा 10 ओम, ये ±, ये 10/(s+1), ये 10 ओम, ये जाएगा 10 y s, और यहाँ चाहिए CV0-। तो उसके लिए C की वैल्यू कितनी है 0.1 × और VC0 कितना 5। और ये 2 एम्पियर। और यहाँ पे ये जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज था तो वो क्या कहलाएगा, ये V0s। तो अगर हम इसको करंट सोर्स नोडल, देखिए V0s जो है कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं नोडल एनालिसिस लगा के ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो इसे हम क्या पहले ये करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आएगा 10 ओम, ये जाएगा 1/(s+1)। क्यों, जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 10 ओम 10 y s, ये 0.5 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। और यहाँ पे क्या है V0s। तो देखिए ये सभी क्या है पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस V0 नॉट एस वोल्टेज सभी के लिए क्या होगा समान होगा।
तो हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, इसे नोड वन मान लेंगे, इसे नोड, इसे ग्राउंडेड कर देंगे, या हम सॉर्ट इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ऐड करेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो नोड वन पे क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी नॉट ही तो होगा। तो KCL लगा देते हैं वन पे, KCL एट नोड वन लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, वी जीरो एस अपॉन टेन प्लस वी जीरो एस अपॉन टेन इन दोनों के लिए, और ये अपवर्ड जा रही है तो इसे क्या लगेंगे, माइनस एक अपॉन एस प्लस वन प्लस वी जीरो एस अपॉन टेन अपॉन एस, ये दोनों करंट अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमने क्या माना, वो निगेटिव पॉइंट फाइव माइनस टू बराबर जीरो। तो ये KCL नोड वन पे हो गया, तो वी जीरो एस देखिए ये वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन प्लस का एस अपॉन टेन वी जीरो एस बराबर एक अपॉन एस प्लस वन प्लस ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव। तो देखिए वी जीरो एस तो ये आ जाएगा टू वाई, ये वन बाई फाइव हो जाएगा प्लस एस वाई टेन बराबर एक अपॉन एस प्लस वन प्लस टू पॉइंट फाइव। तो वी जीरो एस यहां से देखिए क्या मिलेगा, कॉमन टेन मिलेगा, तो ये टू प्लस एस बराबर यहां से मैं वन प्लस टू पॉइंट फाइव एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन, तो ये हमारा इधर राइट साइड में एक्सप्रेशन आएगा, तो इसका दस के ऊपर, तो इस तरीके से लिख लेंगे वी नॉट एस बराबर ये हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव एस इंटू टेन अपॉन एस प्लस वन और ये टू प्लस एस, अंदर टेन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 25 एस अपॉन ये एस प्लस वन और ये एस प्लस टू, ये 25 एस प्लस 35 अपॉन एस प्लस वन और ये एस प्लस टू आ गया। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, तो वी नॉट एस बराबर 25 एस प्लस 35 अपॉन एस प्लस वन और ये एस प्लस टू, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा। तो हम ए और बी की वैल्यू रेसिड्यू मेथड से फाइंड करेंगे, तो वो हमारी इस प्रकार से होगी, ए बराबर एस प्लस वन वी जीरो एस तो एस बराबर माइनस वन, तो यहाँ एस प्लस वन और ये ट्वेंटी फाइव प्लस एस प्लस थर्टी फाइव अपॉन एस प्लस वन और ये एस प्लस टू और ये एस बराबर माइनस वन, इससे ये कैंसिल, एस बराबर माइनस वन रख दें, तो ए बराबर 25 इंटू माइनस वन प्लस 35 अपॉन माइनस वन प्लस टू, तो ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस 35 अपॉन वन, तो ये आ जाएगा टाइम वैल्यू। इसी प्रकार v की बराबर जो निकल जाएगी वो s प्लस टू वी जीरो एस, ये s बराबर माइनस टू पे वैल्यू बराबर ये एस प्लस टू वी जीरो एस की वैल्यू है 25 एस प्लस 35 अपॉन एस प्लस वन और ये एस प्लस टू, ये एस बराबर माइनस टू, इससे ये कैंसिल वैल्यू रख देंगे, तो वी बराबर 25 इंटू माइनस का 2 प्लस 35 अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस का 50 प्लस 35 अपॉन माइनस का 1, तो ये आ जाएगी 15 वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, तो वी जीरो एस बराबर टेन अपॉन एस प्लस वन माइनस पंद्रह अपॉन एस प्लस टू, दोनों और इन्वर्स ले लेंगे, तो एल इन्वर्स वी जीरो एस बराबर एल इन्वर्स टेन अपॉन एस प्लस वन एस प्लस टू, तो ये एल इन्वर्स टेन अपॉन एस प्लस वन प्लस एल इन्वर्स फिफ्टीन अपॉन एस प्लस टू। तो हम जानते हैं
लैपलास ई की पावर एट माइनस एटी यू टी होता है एक अपॉन एस प्लस ए। अगर लैपलास ई की पावर माइनस टी यू टी होगा तो ये एक जगह क्या होगा, यहाँ वन रख देंगे एस प्लस वन, इसी प्रकार यहाँ टू। तो ये जो होगा टेन ई की पावर टी यू टी प्लस का फिफ्टीन ई की पावर माइनस टू टी और ये यू टी और ये क्या आएगा वोल्ट वी जीरो टी। तो वी जीरो टी बराबर आ जाएगा टेन ई की पावर माइनस टी यू टी प्लस फिफ्टीन ई की पावर माइनस टू टी और ये यू टी। यू टी कॉमन ले लेंगे तो टेन ई की पावर माइनस टी प्लस फिफ्टीन ई की पावर माइनस टू टी और ये यू टी वोल्ट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।